हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूं इसे, ये है एम्पियर मैग्नस ईएक्स और ओकिनावा की आई प्रेज प्लस। तो ये दोनों ही जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं, हर तराजू पर तोल के देखेंगे कि भाई गाड़ी का स्टाइलिंग कैसा है, गाड़ी कितनी चलती है, पर किलोमीटर कॉस्ट कितना आता है, यहाँ पर फीचर्स कौन से मिलते हैं, प्राइस कितना जाता है ऑन रोड, सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसके पहले मैंने ओकिनावा आई प्रेस का भी यहाँ पर रिव्यू किया था और इस गाड़ी का भी जो है वो रिव्यू आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मैंने दोनों गाड़ियों को सेपरेटली रिव्यू ज़रूर किया था, लेकिन मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भाई इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेना ज़्यादा जो है वो बेहतर रहेगा, ज़्यादा फ़ायदे का सौदा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये दोनों गाड़ियों का क्लास बहुत अलग है, क्योंकि ये गाड़ी की मैं बात करूँ मैग्नस ईएक्स की, तो ये गाड़ी जो है वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट की इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ओकिनावा की मैं बात करूँ तो ओकिनावा को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम रखने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर भी एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये गाड़ी जहाँ पर आपको ऑन रोड 86,000 रुपये की मिलती है, ओरिजिनल इसकी प्राइस जो है वो 7199 है, 999 है, लेकिन सारे आपके टैक्सेस वगैरह मिला करके ये 86,000 रुपये की ऑन रोड जाती है। वहीं पर हम ओकिनावा की बात करें तो ओकिनावा की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखें तो उस गाड़ी की शुरुआती कीमत ही एक शोरूम 110,000 रुपये रखी गई है, और बाद में फिर उसके ऊपर आपको जो है वो कोई टैक्सेस वगैरह ऐड हो करके वो गाड़ी 1,25,000 रुपए तक की चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो एक बड़ा डिफरेंस है, इसके मुकाबले में फिर आपको क्या मिलता है और इसके अंदर क्या नहीं मिलता है। मैग्नस की मैं बात करूँ तो मैग्नस एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल गाड़ी रखने की कोशिश की गई है। इसके अंदर जो है वो आपको कोई भी जो कनेक्टेड फीचर्स होते हैं वो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप मोबाइल के ऊपर नेविगेशन लगाते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है नेविगेशन टर्न बाय टर्न वगैरह, ऐसी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती है। साथ ही साथ इसके अंदर जियो फेंस अलर्ट भी नहीं आता है। जियो फेंस अलर्ट मतलब वही होता है कि आपने एक एरिया सेट किया हुआ है, आपने किसी को गाड़ी चलाने के लिए दी है और उसने बताया है कि मैं इस एरिया में जाने वाला हूँ, तो आपके घर से उस एरिया तक का जो एक इलाका है वो आपने पहले से ही मार्क करके रखा है। जैसे ही गाड़ी उस जियो फेंस इलाके के बाहर जाती है, उस एरिया के बाहर जाती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो ऐसे फीचर्स जो हैं वो इस गाड़ी के अंदर उन्होंने नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि उनको जो है वो गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा किफ़ायती रखना था। हालांकि इस गाड़ी के अंदर जो है वो एक फ़ीचर बड़ा अच्छा आता है, हालांकि ये ओकिनावा में भी ऐसी टाइप की चाबी आती है, तो इस चाबी के अंदर अगर आप देखें तो 4 बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर जो है यहाँ पर लॉक का बटन है, उसके नीचे अनलॉक का बटन है, इसके नीचे आपको जो है वो पावर का बटन दिया गया है, और सबसे नीचे जो है वो आपको सायरन का बटन दिया गया है। तो आप सायरन जब भी बजाते हैं तो इस तरीके से जहाँ पर भी आपकी गाड़ी हो आपको पता चल जाता है। अगर आप पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये चीज़ बहुत काम में आती है। इसके बाद ये वाला फीचर आपको देखने को मिलता है, ये पावर का बटन है, तो इसके लिए मुझे पहले हैंडल को अनलॉक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका अगर हैंडल अनलॉक्ड है तो आप इस पावर के बटन को 2 बार दबाइए और ये मेरी गाड़ी जो है वो चालू हो गई है, और इस चाबी को जो है वो मैं अपने जेब में रख करके भी इस गाड़ी को चला सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मुझे फीचर इसका लगा है, और इसको अगर आपको बंद भी करना है तो भी आपको चाबी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली यहाँ पर लॉक का बटन है, लॉक का बटन दबा दिया, गाड़ी बंद हो गई है। तो ये काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें इसके अंदर डाली गई है, हालांकि बाकी और कोई फीचर इसके अंदर नहीं आता है। जैसे कि आपको गाड़ी अगर उठ रही है कहीं से तो भी अलर्ट आता है कुछ गाड़ियों के अंदर, नई जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आई हैं उनके अंदर ये फ़ीचर ज़रूर डाला जाता है कि अगर आपने कहीं पार्किंग में गाड़ी लगाई है और वो अगर उठाई जा रही है तो आपको मोबाइल के ऊपर अलर्ट आता है। तो ऐसी कोई चीज़ें इसके अंदर नहीं है, ये चीज़ आपको ओकिनावा में मिल जाती है। ओकिनावा के अंदर आपको जियो फेंस अलर्ट भी मिल जाता है, ओकिनावा के अंदर गाड़ी जो है वो आपको एक स्कोर भी देती है कि आपने गाड़ी कैसी चलाई है और आपकी कितनी अभी रेंज बाकी है।
तो रेंज की बात चली रही है तो दोनों गाड़ियों के रेंज की बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी जो है कंपनी का क्लेम ऐसा है कि सिंगल चार्ज के ऊपर जो है वो लगभग 100 किलोमीटर आराम से चल जाती है। ओकिनावा की बात करूँ तो ओकिनावा की ऐसा क्लेम है या ऐसा दावा है कि उनकी गाड़ी जो है वो लगभग 130 किलोमीटर तक चल जाती है। अब ये लार्जली जो है वो आपके ड्राइविंग की स्पीड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे आप नॉर्मल गाड़ियों के अंदर जितना तेज़ चलाएंगे उतना ही आपकी फ्यूल इकोनॉमी कम आएगी, वैसे ही इसके अंदर जो है जितना तेज़ चलाओगे उतना आपको रेंज जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। अब मैगनस की बात करें तो मैगनस के अंदर जो है वो टॉप स्पीड केवल 50 किलोमीटर का ही जाता है। ओकिनावा की बात करें तो ओकिनावा इससे हल्की सी ज़्यादा तेज़ चल सकती है। तो क्योंकि इसके अंदर 50 का ही मैक्सिमम स्पीड है तो ये 100 तक की जो है वो आपको रेंज आराम से दे सकती है। लेकिन फिर इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि इस गाड़ी के अंदर लैग बहुत ज़्यादा है। आप अगर इसके एक्सीलेटर को ट्विस्ट करेंगे तो इस गाड़ी को एक पेस पकड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक 3 से 4 सेकंड का डीले चला जाता है और ये चीज़ जो है वो आपको ट्रैफिक के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है कि भाई पीछे से हॉर्न आ रहे हैं, आपने इसको पूरा ट्विस्ट किया है, फिर कुछ सेकंड के बाद गाड़ी आगे जा रही है। इसी के साथ साथ एक चीज़ मुझे और जो इसमें महसूस हुई है वो ये है कि आप अगर एक बंदा पीछे बिठा करके एक चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज़रूर करती है। ओकिनावा के मामले में ऐसी बात नहीं है। ओकिनावा के अंदर जो है वो आपको टॉर्क इससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है जिसकी वजह से गाड़ी बड़े आसानी से उठ जाती है और एक अच्छे स्पीड तक चली जाती है। यहाँ पर इस गाड़ी को जो है वो 40 तक का स्पीड लेने में तकरीबन 10 सेकंड चले जाते हैं, ओकिनावा में उतनी ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स इस गाड़ी के ज़रूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये गाड़ी 1 लाख रुपए के अंदर अंदर आ रही है। एक और जो मुझे इस गाड़ी की खासियत लगती है वो है इस गाड़ी का एक बड़ा सा यहाँ पर लगेज स्पेस। तो सीट के नीचे जो बूट स्पेस आपको गाड़ियों में मिलती है वो ओकिनावा में बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि ओकिनावा में उस जगह पर उन्होंने बैटरी लगा दी है। तो आपको अगर कुछ भी रखना है तो ये जो फुटबोर्ड वाला एरिया है वो उन्होंने थोड़ा सा चौड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा दिया है, जिसकी वजह से आप वहाँ पर कुछ चीज़ें रख सकते हैं। आप पूरा का पूरा सिलेंडर उसके अंदर ठूस के चला सकते हैं गाड़ी को। हालांकि मैं इसकी सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन एक आपको अंदाज़ा आने के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे स्पेस मिल जाती है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ें सुरक्षित रखनी है तो उसके लिए फिर आप नहीं कर सकते हैं, आपको वो पूरी बैटरी बाहर निकालनी पड़ेगी और फिर वहाँ पर कुछ सामान रखना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो अच्छी है कि उसके अंदर आप जो है वो बैटरी डिटैच कर सकते हैं, बैटरी को निकाल सकते हैं, घर में लेके जाके जो है वो चार्जिंग पे लगा सकते हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको एक पावर स्विच मिलता है जो कि सीट के नीचे है। वो आपके घर का जैसा मेन स्विच होता है ना मीटर का, वैसा ही इसके अंदर होता है। तो रात में अगर आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी को चार्ज पे लगा करके तो उस मेन स्विच को ऑफ करके चले जाइए, तो किसी के हाथ चाबी भी लग गई, किसी ने चालू करने की कोशिश की तो भी गाड़ी चालू नहीं हो पाएगी क्योंकि मेन स्विच आपका बंद है। तो मेन स्विच जैसे ही आप चालू करेंगे उसके बाद गाड़ी आपकी जो है वो आराम से चल जाएगी। अगर ओवरऑल डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो डिज़ाइन के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबरी के ऊपर चल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए डिज़ाइन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ होती है। किसी को इस गाड़ी का डिज़ाइन पसंद आ सकता है, किसी को ओकिनावा का पसंद आ सकता है। प्लस पॉइंट ये है कि दोनों ही गाड़ियों में जो है वो LED हेडलैम्प दिए गए हैं और DRLs भी दोनों गाड़ियों में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मुझे ओकिनावा का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों के मामले में मुझे ज़रा एक शिकायत है और वो शिकायत ये है कि भाई दोनों गाड़ियों की ये जो फुटबोर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं। तो आप जो है जब भी आप बैठते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि मेरा थाई जो है वो कितना ऊपर जा रहा है। तो ये लॉन्ग जर्नी में जो है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है क्योंकि आपका अंडर थाई सपोर्ट कम हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन दोनों ही गाड़ियों के मामले में जो है वो सोचना ज़रूरी था। बाकी अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट ओकिनावा ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप अगर कोई ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शोशा के साथ नहीं आती है, आपको वो जियो फेंस अलर्ट और ये नेविगेशन सिस्टम और ये ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन जैसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप इस गाड़ी का रुख ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप कुछ फीचर्स चाहते हैं और थोड़ा बहुत पैसा आप और डाल सकते हैं
तो आप ओकिनावा की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। ओकिनावा के अंदर आपको मोबाइल का एप्लीकेशन आता है, वो डाउनलोड करके आपको गाड़ी का पूरा डायग्नोस्टिक भी पता चलता है और अगला सर्विस रिमाइंडर वगैरह है तो वो भी पता चलता है। आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसकी जो है वो सर्विसिंग की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ओकिनावा की, तो आप जा कर के फिर वहाँ पर डायरेक्टली गाड़ी दे सकते हैं। ऐसी सर्विसेज अब तक इस कंपनी ने नहीं दी हुई है, लेकिन एक सिंपल गाड़ी अगर आप चाहते हैं तो ये गाड़ी आपका पर्पस बिल्कुल अच्छे से सर्व करेगी, कोई उसके अंदर आपको बाधा नहीं आने वाली है। और अगर आपका ज़्यादातर करके रनिंग जो है वो सिटी के अंदर होने वाला है फिर तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा चॉइस है। यहाँ पर बैटरीज की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर एक 60 वोल्ट 38.5 एम्पीयर की बैटरी आती है जो कि फुल्ली चार्ज होने में 7 से 8 आती है। वहीं पर हम ओकिनावा की बात करें तो ओकिनावा को भी चार्ज होने में लगभग उतना ही समय लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो आपको तकरीबन 3 रुपये की वगैरह पड़ती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोनों गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों ऑल इन ऑल मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप पैसे दे सकते हैं तो आप ओकिनावा ज़रूर खरीदिए, लेकिन अगर बजट थोड़ा सा कम है तो इस गाड़ी का भी ज़रूर रुख कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है।